नमस्कार दोस्तों, रेसिपी देखो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक ऐसा साग बनाने जा रहे हैं जिसका बहुत सारा फायदा है, जिससे नींद नहीं आने की कमी दूर होती है। इसको खाएंगे तो ब्रेन जो है रिलैक्स होता है और ये ब्रेन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो बात कर रहे हैं हम सुसनी साग की। तो इसको आसानी से कैसे बनाएं और हेल्दी तरीके से कैसे बनाया जाता है, चलिए देख लेते हैं। तो आज हम सुसनी साग की रेसिपी बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। देखिए, ये देखने में इस तरह का होता है, ये तितली के आकार का होता है। इसमें चार पत्तियां होती हैं। आप इसे जब भी खरीदें तो इस तरह पहचान के ही खरीदें। और ये पानी वाली जगहों में ही पाया जाता है। जिसे नींद आने की समस्या होती है तो उसका ये परफेक्ट इलाज होता है। तो चलिए सबसे पहले हम साग को यहाँ चुन लेते हैं। तो इसे ज़्यादा कुछ चुनने में नहीं होता है, तोड़ना नहीं है ज़्यादा। इसका डंठी को आगे वाला बस हटा देना है और इस तरीके से तोड़ लेना है। तो इसे चुनने में काफ़ी समय लगता है क्योंकि यहाँ पे एक एक पत्ते को चुनना होता है और इस डंठल को हटा देना होता है। इसे एक एक करके इसलिए चुना जाता है क्योंकि ये पानी वाली जगह में पाया जाता है तो कीड़े मकोड़े वगैरह हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम पूरा साग चुन लेंगे। तो इसमें मुझे काफ़ी समय लगेगा, तो मिलते हैं हम पूरा साग चुनने के बाद। यहाँ हमने सुसनी साग को पूरी तरह से चुन लिया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में हम इसे धो लेंगे। इसे थोड़ा ज़्यादा पानी में धोएं ताकि इसमें बालू वगैरह ना रहे। तो इसे हम बहुत कम तेल मसालों में बनाएंगे, गांव के तरीके से ही बनाएंगे। तो हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से गर्म होने दें। तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है। तो यहाँ मैंने 5 से 6 लहसुन लिया है और 2 मिर्ची को चीरा लगा लिया है। तो इसे मैं तेल में डाल के फ्राई कर लूँगी। तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी ना डालें, इससे सुसनी साग का जो टेस्ट है वो नेचुरल रहेगा। तो यहाँ मिर्ची और लहसुन भून चुकी है, तो अब इसमें हम सुसनी साग को डाल देंगे। तो अभी हम इसमें सिर्फ स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल के इसे अच्छी तरह से उलट पलट कर दें ताकि नमक पूरे साग में मिक्स हो जाए। तो ये साग खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ और कुछ भी नहीं डालना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसे 5 मिनट तक के लिए ढक देना है मीडियम फ्लेम में। तो फ्रेंड्स, यहाँ 5 मिनट का समय बीत चुका है। तो चलिए देखते हैं साग का क्या हाल है। तो देख सकते हैं यहाँ पानी जो है ड्राई हो चुका है, इसमें थोड़ा पानी बाकी है। तो इसे हम अभी बिना ढके ही 1 से 2 मिनट और भूनेंगे, जिससे ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे। इसे पूरा अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। इसे इस तरह से दबा दबा के भूनेंगे तो इसमें जो बचा हुआ भी पानी है सब निकल जाएगा और अच्छी तरह से साग जो है ड्राई हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे चुनने में ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा ये कितनी जल्दी तैयार हो गया। तो देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसे उठा लेंगे एक बर्तन में। तो लीजिए, तैयार है सुसनी साग की रेसिपी। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ पसंद है तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने चैनल में इसी तरह की गांव की और हेल्दी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसी तरह की और एक हेल्दी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।